नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC Tube TV पर। अभी तक हम सीख चुके हैं स्मॉल फ्रेंड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस के फॉर्मूले, बिग फ्रेंड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस के फॉर्मूले एंड कॉम्बिनेशन फ्रेंड के पॉजिटिव केस के फॉर्मूले। आज से मैं स्टार्ट करूंगी कॉम्बिनेशन फ्रेंड के नेगेटिव केस के फॉर्मूले। अगर आप फिंगर अबेकस का फुल कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्बिनेशन फ्रेंड के नेगेटिव केस के फॉर्मूले की हेल्प हमको कब लेनी पड़ती है। तो जब भी आपको 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो, पर आप इन नंबर्स को डायरेक्टली या बिग फ्रेंड की हेल्प से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले की। तो जब भी आपको 6, 7, 8 या 9 इनमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आप इन नंबर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इन नंबर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है बिग फ्रेंड की हेल्प से। अगर आप बिग फ्रेंड की हेल्प से भी इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको हेल्प लेनी पड़ती है कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले की। तो कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं 6, 7, 8 एंड 9 के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि -6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प हमको कब लेनी पड़ती है। तो क्वेश्चन है 11 माइनस 6, ये हो गया हमारा 11 फिंगर अबेकस पर। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है 6। तो पहले आपको चेक करना है क्या आप 6 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड में सिर्फ 1 फिंगर ओपन है और इसकी वैल्यू 1 है, तो हम सिर्फ 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमको सब्ट्रैक्ट करना है 6। तो अब हम हेल्प लेंगे बिग फ्रेंड फॉर्मूले की। तो -6 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10 प्लस 4। -10 तो हमने कर लिया, +4, अब हमको +4 करना है। क्या हम डायरेक्टली +4 कर पा रहे हैं, नहीं, यानी कि यहाँ पर हम 6 बिग फ्रेंड की हेल्प से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमको 4 को ऐड करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा +4 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले का, जो कि होता है +5 माइनस 1। तो -6 के बिग फ्रेंड फॉर्मूला होता है -10 +4। +4 हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो +4 हम किस प्रकार से करेंगे, +4 करेंगे हम +4 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प से, +5 माइनस 1। तो यहाँ पर हमको 6 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बिग फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ी और स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले की भी हेल्प लेनी पड़ी। तो जब भी आपको बिग फ्रेंड एंड स्मॉल फ्रेंड दोनों फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है तो उन फॉर्मूले को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला। तो 11 माइनस 6 हुआ 5। तो यहाँ पर हमको 6 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बिग फ्रेंड की हेल्प भी लेनी पड़ी और स्मॉल फ्रेंड की हेल्प भी लेनी पड़ी। तो जब हम दोनों फॉर्मूले को कंबाइन किया तो हमारे -6 का फॉर्मूला हुआ -10 +4 के लिए +5 माइनस 1 और हम कह सकते हैं -11 प्लस 5। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और -6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले को और अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12, ये हो गया हमारा 12 प्लस 1 -6। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम 6 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, नहीं, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 6 को हम बिग फ्रेंड की हेल्प से सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। -10 प्लस 4 नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 को हम यहाँ पर डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिग फ्रेंड की हेल्प से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमको अप्लाई करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला, जो कि होता है -10 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1, आंसर इज 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ये हो गया हमारा 18, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 6 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और माइनस 6 यहाँ पर हम बिग फ्रेंड की हेल्प से भी नहीं कर सकते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला, माइनस 11 प्लस 5 प्लस 2, आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, माइनस 6, माइनस 6 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और बिग फ्रेंड की हेल्प से भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस 6 करने के लिए अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले को, माइनस 10 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 3 प्लस 11, आंसर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, माइनस 6, माइनस 6 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो चेक करना है कि माइनस 6 हम बिग फ्रेंड की हेल्प से कर सकते हैं, माइनस 10 प्लस 4 नहीं, तो अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले को, माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6, अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, प्लस 6, आंसर इज 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ये हो गया हमारा 86, माइनस 6, माइनस 6 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, माइनस 6, माइनस 6 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिग फ्रेंड की हेल्प से, माइनस 10 प्लस 4 यस, माइनस 6 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिग फ्रेंड की हेल्प से, माइनस 10 प्लस 4 नहीं, तो अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला, माइनस 11 प्लस 5, आंसर इज 68। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, माइनस 5 माइनस 6 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिग फ्रेंड की हेल्प से, माइनस 10 प्लस 4 नहीं, तो अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला, माइनस 11 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 5, आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिग फ्रेंड की हेल्प से, माइनस 10 प्लस 4 नहीं, तो अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला, माइनस 11 प्लस 5 प्लस 12, आंसर इज 99। तो ये हमारे जो लास्ट का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको फिंगर एबेकस की हेल्प से ही करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज हमने सीखा कि प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले का यूज़ हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी फिंगर एबेकस फ्री में सीख सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है 54।